स्टेडियम में आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी। मानगांव की ओर से सलामी बल्लेबाज है आदिल और शुभम, दोनों ही एक हार्ड हिटर, एक बेहतरीन बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है शुभम, नॉन स्ट्राइक पर है आदिल। बॉलर्स नेम शहबाज। शहबाज अपने गोटी की पहली, टीम की जानिब से पहली ओवर लेके दौड़ना शुरू किया और गेंद की शॉर्ट पिच गेंद थी, बेहतरीन शॉट लगाया वहां पे और अंपायर का इशारा 6 रन। बेहतरीन शॉट, जैसे बल्ले पे गेंद लगी थी उस पे 6 रन लिखे हुए थे, 6 रन के साथ खाता खोला शुभम ने अपना और अपने टीम का। एक ओवर के अंदर दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो आके कमेंट्री बॉक्स में बैठे। वरना पेनल्टी भी जाएंगी। इस ओवर की 5 गेंद आना बाकी। एक बेहतरीन शुरुआत की है शुभम ने अपनी और अपने टीम की। दूसरी गेंद, फिर एक बार शॉट, फिर गेंद, बेहतरीन शॉट वहां पे लेग साइड की जानिब, फिर एक बार अंपायर का इशारा 4 रन। रन मिलेंगे 4 और बेरा होगा पार। बेहतरीन शुरुआत, हरफन मौला खिलाड़ी है शुभम, बल्लेबाजी भी अच्छी करती है, गेंदबाजी, फील्डिंग, ऑलराउंड खिलाड़ी है, हर शोबे में अपना 100% देते हुए शुभम। शुभम एक आइकॉन खिलाड़ी, जैसा नाम वैसा ही कुछ काम करते हुए। बानकोट का एक्स्ट्रा खिलाड़ी स्टेडियम में आ जाए। इसी बीच तीसरी गेंद, लेकिन शहबाज दौड़ना शुरू किया और गेंद की और बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाया वहां पे और अंपायर का इशारा 6 रन। बेहतरीन शॉट लगाया था, स्कोर तेजी से उछलता कूदता हुआ 16 रनों पर। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभम 3 गेंदों का पूरा फायदा उठाया है अपने टीम के लिए, तेजी से रन बनाते हुए। फिर एक बार चौथी गेंद लेके, इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, अंपायर का इशारा वाइट। इस वाइट की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अभी 3 गेंदें आना बाकी, काफ़ी महंगे साबित होते हुए शहबाज 3 गेंदें फेंकी है, 4 गेंदें फेंकी है जिसमें एक एक्स्ट्रा गेंद थी, 17 रन खर्च किए हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, एक अच्छी मजबूत शुरुआत दिलाते हुए शुभम अपने टीम के लिए। फिर एक बार खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइट। फिर एक बार इस वाइट की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 18। खराब गेंदबाजी, दबाव में दिखाई देते हुए शहबाज, एक बड़ा खिलाड़ी मौजूद है वहां पे शुभम। फिर एक बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लेग साइड की जानिब खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्डर फील करता थ्रो करता 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन के लिए भागे, दूसरा रन भी आसानी से मुकम्मल। इन 2 रनों की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 20 रनों पर। अब 2 गेंद आना बाकी, काफी महंगे साबित होते हुए। खराब लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए, दिशा से भटकते हुए शहबाज 5वीं गेंद लेके, शहबाज दौड़ना शुरू किया और गेंद की इस बार बेहतरीन, अच्छी वापसी, बेहतरीन गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन। इन 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 1-2 गो, 5 गेंदे और 24 रन। एक अच्छी शुरुआत, बेहतरीन मजबूत शुरुआत दिलाते हुए आगाज तो अच्छा किया है। अब इस ओवर के अंजाम की तरफ शहबाज आखिरी गेंद लेके, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 24 बिना किसी नुकसान के मानगांव। एक ओवर के इख्तिताम पे 24, सर कितना देखते हैं आप स्कोर?
शुक्रिया की समाप्ति पे स्कोर 24। अब आने वाले चार ओवरों में कितना स्कोर देखते हैं? शुक्रिया जूनियर कुणाल दाते साहब, यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभम अपने फन और अपने जौहर और जिसके लिए जाने जाते हैं उस तरह की बल्लेबाजी की पूरी तरह से टूट पर गेंदबाज बॉलर सेम नवीद अब दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं नवीद। शुभम ने पहले ओवर में 24 रन बनाए, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अब स्ट्राइक पर आदिल एक बड़ी मजबूत टीम बानगांव की और बानकोट भी बड़ी कोशिश करते हुए, जैसा कि उनके कप्तान ने कहा था कि किसी को कमजोर नहीं समझना, लेकिन इस बीच बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती के साथ दिफाई अंदाज से गिरा एक ही रन। अब जो स्ट्राइक पर आ रहे हैं वो है शुभम, टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम, और पहले ओवर में उन्होंने 24 रन बनाए थे और इस तरह की अगर बल्लेबाजी करेंगे तो यकीनन ये मुश्किल काम होगा बानकोट के लिए। एक बड़ा खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट का, लेकिन ये उभरती हुई बानकोट की टीम वो भी अपने जलवे बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार। इस ओवर में दूसरी मरतबा ये गेंदबाज ऊंचे खत का खिलाड़ी जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज फील्डिंग की जमावट में। आपको बता दूं एक विकेट कीपर, एक स्लिप, एक शॉर्ट पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट दूर दूर तक फैली हुई फील्डिंग। स्कोर इस बीच पहुंचा 26 रन। इस ओवर में तीसरी मरतबा अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में, लेकिन अब इस बार अपनी लाइन से भटक गए वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंचा 27 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया मानगांव ने, और उनके दोनों ओपनिंग के बल्लेबाज खासकर शुभम इन्होंने पहले ओवर में 24 रन बनाए थे, अच्छी बल्लेबाजी जारहाना बल्लेबाजी। इस बीच ऊंचा खेले है बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट। जब उन्होंने एक एंड से देखा कि शुभम बल्ले अच्छी बल्लेबाजी करे तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना अपने जलवे दिखा दो, और इस बार उन्हें मौका मिला, उस मौके का फायदा उठाकर इस गेंद को फेंक दिया बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। एक नाजुक स्थिति में पहुंचता एक मुस्तहकम पोजिशन में हालत में पहुंचती हुई मानगांव की टीम। इस बीच राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया और बैकफुट पर जाकर बहुत ही बेहतरीन शॉट, इट्स गोइंग गॉन आउट ऑफ द पार्क फॉर 6, व्हाट अ शॉट, इट्स एन इनक्रेडिबल शॉट फ्रॉम दिस बैट्समैन, द वे ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली रिमार्केबल। हर गेंद मानो दोनों बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने की सलाहित जो इसे उनके पास है और उसी तरह से खेलते हुए चारों चाखाने क्षेत्र पूरी तरह से टूट पड़े हैं गेंदबाजों पर। इस ओवर में एक बार फिर यॉर्कर की गेंद बहुत ही तेज शॉट, अच्छी फील्डिंग, इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 40 रन। पहले ओवर में 24 रन बनाए थे जबकि दूसरे ओवर में 16 रन अब तक बनाए हैं। 5 गेंद आखिरी गेंद लेकर फलंदाजी करता मानगांव का संघ अतिशय सुरेख फलंदाजी करता शुभम, अतिशय उतुंगा चेंडू जाना है सीमा रेषेच्या आर पार, सीमा रेषेच्या पार उतुंगा सा षटकार, देखनी शॉट मारतो है तो शुभम, आणि शुभम हा स्टार खेळाडू का आहे आणि का तो एक चमचमता खेळाडू आहे मानगावच्या संघाकडून हे सिद्ध करताना या षटकाने धाव संख्या झपाझप वाढतायत, धाव संख्या आहे 46 दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर। नाउ बॅक टू कुणाल दाते, ओवर की समाप्ती पे स्कोर है 46, एक ठोस सुरुवात, दो ओवर की समाप्ती पे 46 नोवास, कोई विकेट नहीं खोया अब तक, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 46। फिर एक बार नए गेंदबाज है शहबाज, अपने कोटि की दूसरी और टीम की जानिब से तीसरी ओवर लेके शहबाज, जबकि अपने पहली ओवर में 24 रन खर्च किए थे, कोई सफलता नहीं दिलाई थी अपनी टीम को, पहली गेंद लेके दौड़ना शुरू किया और गेंद की, इस बार भी एक ऊंचा खेले हैं, वहाँ पे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्डर आता फील करता आसानी से एक रन मुकम्मल। अब स्ट्राइक संभालेंगे शुभम, आक्रामक मोड में दिखाई देते हुए
लंबे लंबे हिट लगा रहे। आने वाली 5 गेंदों का कितना फायदा उठाएंगे शुभम? शहबाज दौड़ना शुरू किया और गेंद की, इस बार बेहतरीन शॉट लगाया वहां पे, खूबसूरत शॉट, लेकिन कैच हो सकता है वहां पे। अच्छा ट्राई किया वहां पे, जब तक थ्रो आता आसानी से 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 49। बेहतरीन शॉट लगाया था, उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, 49 रन स्कोर। फिर एक बार, इस बार खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइट, इस वाइट की मदद से स्कोर पहुंचा है 50 रनों पर। फिर एक बार शहबाज, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद हवा में, वहां पे कैच हो सकता है और ये बेहतरीन कैच लपका है, बेहतरीन कैच, और लगने वाला मानगांव को बड़ा झटका शुभम के रूप में, पहला झटका।